नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहन जैन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, सीके बिरला हॉस्पिटल। आज हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत आम बीमारी है, इसे CTS सिंड्रोम की तरह बोला जाता है। ये आमतौर पर फीमेल्स में होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से होती है, जो कि हमारे रिस्ट पे होता है। मीडियन नर्व जो कि हमारे फोरआर्म और हैंड को सप्लाई करती है, ये जब रिस्ट के पास से गुजरती है, एक टनल होती है, उसको कार्पल टनल कहते हैं, वहाँ पे इसका कंप्रेशन हो जाता है। इस बीमारी को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम के प्रमुखता रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपकी वर्किंग हैबिट्स जैसे कि रिस्ट का बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करना, या फिर ऐसी कई चीज़ें, स्वेलिंग आना, डायबिटीज़, थायराइड, इन बीमारियों में ये कार्पल टनल सिंड्रोम मुख्यतः ज़्यादा तौर पर पाया जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के मरीज मुख्यतः रिस्ट में, हैंड में पेन, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, रात को पेन होना, नींद का टूट जाना हाथ में दर्द की वजह से, और ग्रिप की कमजोरी, इन सब सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसका डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होता है। जब हम मरीज को देखते हैं, उसके सिम्टम्स सुनते हैं, तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर हम उसको कंफर्म करना चाहें तो इसके लिए नर्व कंडक्शन वेलोसिटी का टेस्ट होता है, जिसमें हम हाथों के अंदर नर्व के अंदर सेंसेशन का ट्रेवल करने को मेज़र करते हैं, और उससे हम देखते हैं कि रिस्ट पे कितना डिले है नर्व के कंडक्शन में, और इससे ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। इसके क्या कारण हैं? कारण फीमेल्स में ज़्यादा होता है, रूमेटॉइड्स में ज़्यादा होता है, ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है, डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है, थायराइड की बीमारियों के साथ होता है, मिक्सिडीमा, रीनल फेलियर पेशेंट्स में बहुत तरह पाया जाता है, और आजकल की वर्किंग हैबिट्स में इनका कंप्यूटर बहुत जॉब है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग, बहुत ज़्यादा रिस्ट वर्क है, उन लोगों में ही पाया जाता है। इससे बचने के मुख्यतः उपाय ये हैं कि जिन बीमारियों के साथ ये हो रहा है, अगर हम उन बीमारियों को कंट्रोल में रखें तो कार्पल टनल सिंड्रोम से हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट के लिए कई तरह के मेथड अवेलेबल हैं, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को नाइट स्प्लिंटेज देते हैं। नाइट स्प्लिंटेज में पेशेंट रात को सोते वक्त अपनी कलाई के ऊपर एक स्केल या कोई स्प्लिंट बांध के सोता है, जिससे रिस्ट की मूवमेंट नहीं होती। इससे कार्पल टनल में प्रेशर कम होता है और पेशेंट को अपने सिम्टम्स में रिलीफ होता है। इसके अलावा भी हम सर्जरी से पहले अगर चाहें तो पेशेंट को रिस्ट में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा सकते हैं। स्टेरॉइड रिस्ट में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग कम करता है, इससे भी नर्व के ऊपर प्रेशर कम मिलता है। जिन पेशेंटों को इन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से या मेडिसिन से किसी तरह का रिलीफ नहीं होता, उन पेशेंट्स के लिए हम सर्जरी का यूज़ करते हैं। कार्पल टनल की सिंड्रोम की सर्जरी बहुत ही सिंपल और बेसिक सर्जरी है। इसमें हम एक बहुत छोटे से 2 सेंटीमीटर के इंसीजन से रिस्ट पे लगा के हम उस टनल को रिलीज़ कर देते हैं। अगर टनल अच्छे से रिलीज हुई है तो आपको इमीडिएटली सिम्टम से रिलीफ मिल जाएगा, और इस सर्जरी का कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म तक इसमें रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने जानकारी साझा करी, ये आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।